गॉट इट। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना प्लीज, एंड नोट करते जाना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड वी विल मूव ऑन। तो हमने पढ़ा था, इफ देयर इज ए कंटेनर, लेट्स से देयर आर गैस ए, गैस बी, गैस सी, इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, एंड गैसेस शुड बी, कैसी होनी चाहिए गैसेस? नॉन रिएक्टिंग गैसेस। कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज, इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट पी ए, अगर मुझे पी ए फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। अगर हमें पी बी फाइंड आउट करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी इंटू पी टोटल, पी टोटल। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यस, दे विल ज्वाइन, दे विल ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, they are joining. Okay, sir, ये तो last lecture, अगर मेरे पास last lecture का ही है ना ये? हाँ बच्चे, last lecture का है, तो ये note, बस उसको थोड़ा सा जो है, नहीं इसको नोट नहीं करो, ये रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ उस पे। क्वेश्चन नंबर वन इज, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट दी, ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, अगर तुम्हें ट्राई करना है तो कर सकते हो। प्रेशर इन 10 लीटर सिलेंडर विच कंटेन्स 0.4 ग्राम ऑफ हीलियम, वन पॉइंट सिक्स ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ आगे क्या लिखा है? ऑल्सो ऑल्सो कैलकुलेट दी partial, also calculate the partial pressure of tea gas in the cylinder, in the cylinder. What is so partial pressure के आगे कुछ आ नहीं रहा? आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा, ऐसा कोई केस नहीं होगा, आ जाएगा। सबको समझ में आया? सर क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है? हेलो सर, तो सबने नोट कर लिया है, किसी का बचा तो नहीं है? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? अब आ रही है। यस गाइस,
आपके आंसर आएगा. ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. तो बच्चों देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कैसे करते हैं सॉल्व. ओके गाइस देखो, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन ए 10 लीटर सिलेंडर व्हिच कंटेन्स 0.4 ग्राम. देयर आर स्टूडेंट्स सो वी हैव टू जॉइन देम. अच्छा बच्चों, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर लिखा हुआ है इन 10 लीटर सिलेंडर. 10 लीटर का सिलेंडर है. कितने लीटर का है? 10 लीटर का सिलेंडर विच कंटेन्स 0.4 ग्राम ऑफ हीलियम, 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. क्या तुम्हें पी टोटल पता है? पी टोटल पता है तुम्हें? नहीं पता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द पी टोटल. So this container is 10 liters. Now gases are helium, oxygen and nitrogen. So अगर कभी भी nitrogen लिखा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि N2 गैस है. कौन सी गैस है? N2 गैस. Nitrogen का मतलब nitrogen atom नहीं होता है यहाँ पे, N2 गैस होती है. क्योंकि actual में जो हमारा नेचर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें गैसेस जो है, जैसे नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में मिलती है, और जो हीलियम है वो इस तरीके से हीलियम के फॉर्म में ही मिलती है. सो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? PV=nRT से टोटल प्रेशर निकाल लेंगे. बट उसके लिए क्या चाहिए? टोटल मोल्स चाहिए. तो मोल्स ऑफ हीलियम कितने आएंगे बताओ? मास ऑफ हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम 0.1. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? 1.6 डिवाइडेड बाय 32, दैट विल डू 0.05. हां तो 0.05. एंड मोल्स ऑफ है ना, ओके, तो ये भी आएंगे 0.1/2, दैट विल बी इक्वल टू 0.05. So what will be the value of N total? 0.1 plus 0.05 plus 0.05 is equal to 0.2. सर 1.4 का मोलर मास 28 होना चाहिए था, आपने 32 लिखा है. सर सर हेलो सर. हो गए थे मीटिंग से? हाँ, रिकनेक्ट हुआ था. ओके सर, वो नाइट्रोजन का अपने मोल्स गलत लिए. नाइट्रोजन का मोल्स बच्चे मैंने 0.05 लिया है ना. मोल्स बराबर है सर, मोलर मास गलत लिखा है. मोलर हाँ सर,
वो 32 के बजट आप सही है, करेक्ट कर देना है ना कहीं पे अगर तुम्हें लगे। वेरी गुड, थैंक यू। उसके आगे आपने कुछ बोला वो समझा नहीं, मतलब आप बाहर गए। अच्छा, मैं ये बोल रहा था बच्चे कि एन टोटल निकाल लेंगे पहले। हम क्या निकाल लेंगे? टोटल मोल्स। टोटल मोल कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल मोल्स को ऐड करके। तो 0.2 तक समझ में आ गया? हाँ सर। अब लगाएंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर द होल कंटेनर। तो पूरे कंटेनर में कितना प्रेशर है पूरा, पी टोटल। हाँ, पी टोटल हम लोग यूज करेंगे और वी यूज करेंगे, एन टोटल इंटू आरटी यूज करेंगे। सो पी टोटल लिख देंगे, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, एन टोटल 0.2, आर की वैल्यू 0.0821 और जो टी है वो कितना हो जाएगा 300 केल्विन में हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके बताओ पी टोटल कितना आएगा। तो अब एक चीज तुमको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो कि कई जगह पे आती रहती है। अगर मैं 0.0821 को 300 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमेशा 24.6 आता है। कितना आता है ये याद कर लो, कितना आएगा 24.6 आता है सॉल्व करके। तो 0.2 इंटू 24.6 डिवाइडेड बाई 10। सर हाँ, वो वैल्यू कांस्टेंट है ना? कौन, ये इतनी है ना? हाँ सर। कांस्टेंट एक्चुअली नहीं है, आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर रूम का ज्यादातर जब दिया होता है 27 डिग्री। हाँ, तो एक तरीके का कांस्टेंट बना लेते हैं। ओके सर। तो बताओ सर कौन सा वैल्यू लेते हैं? क्या चीज? ज्यादातर आर का कौन सा वैल्यू यूज होता है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं। जब टेम्परेचर केल्विन में लेना है, वैसे याद है तुम्हें, ठीक है। वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर्स में लेना है। अगर लीटर में वॉल्यूम दिया है और प्रेशर एटीएम में दिया है तो आर की वैल्यू ये लेंगे। समझ में आया? यस। इफ द वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर्स एंड प्रेशर एटीएम में दिया है देन वी विल यूज द वैल्यू आर इक्वल टू 0.0821। ओके, ये याद रखेंगे। यस सर। अच्छा, अब हमारे पास जो डेटा आया है उससे हम लोग डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.492 एटीएम, ये आ गया। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, आल्सो कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस। तो हीलियम गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू पी टोटल। या तो हीलियम के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, फिर से ज्यादा कैलकुलेशन होगी तो उसको नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन एन टोटल इनटू पी टोटल। अभी बताओ मोल्स ऑफ हीलियम कितने हैं? 0.1 0.492। हाँ, एन हीलियम 0.1 और एन टोटल कितना है बताओ 0.2। तो पी टोटल कितना है 0.492। सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा? हाफ आ जाएगा इसका, 0.246 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। ओके, तो कितने बच्चों ने आंसर दिया है? आर्यन ने दिया है। ये 197 आर्यन क्या है आंसर, ये तो नहीं समझा। उसके पहले भी किसी बच्चे ने दिया था बट मैं रिकनेक्ट हुआ तो मेरा चला गया, या नाम नहीं याद किसने दिया था आंसर 0.492 सबसे पहले। ओके, ईशान का भी करेक्ट है, 0.246 इज द करेक्ट आंसर। डाल्टन्स लॉ कर लोगे सारे लोग? एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो प्रॉब्लम टिल नाउ? सबसे हो जाएगा? यस सर। ये 0.05 प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई कैसे कर दिया तुमने आर्यन? यू हैव टू ऐड दिस, यू हैव टू ऐड दिस। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, किसी को डाउट? एनीवन, तुम में से किसी को डाउट है? कोई डाउट है तो पूछो, जल्दी से पूछो डाउट्स। सर हाय मंश,
अपने इधर PHE का इज इक्वल टू XHE, तो उसका XHE का मोल्स ऑफ HE अपॉन N टोटल कैसे हुआ? यही मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था ना कल, मोल फ्रैक्शन उसको डिराइव किया ना सर? हाँ, वो पिछली क्लास में डिराइव करा था ना, मोल फ्रैक्शन को X से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? X. और उसका मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ द एलिमेंट N गैस अपॉन N टोटल, ठीक है? हाँ सर, वो फॉर्मूला कल याद कराया था। हाँ यस, समीक्षा का करेक्ट है, वो दोनों का 0.123 आएगा, बट मुझे लगता है वो पूछा नहीं है। क्या पूछा है? वो हीलियम का पूछा था इसलिए, बट बाकी अगर पूछता तो हम निकाल सकते थे। PO2 कितना आएगा? 0.123 एटीएम, और PN2 भी कितना आएगा? सेम, बिकॉज मोल सेम है। तो अगर मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन सेम होगा, और मोल फ्रैक्शन सेम है तो फिर आंसर भी सेम आएगा। सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े। यस सर। देखो एक चीज और आती है, उसको भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एक्वियस टेंशन, एक्वियस टेंशन लिखा है और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो देखो जब हम लोग कोई लिक्विड लेते हैं, कोई भी लिक्विड अगर हमने लिया है, तो लिक्विड में हमेशा क्या होता रहता है बताओ? इवोपरेशन। क्या होता है? इस सरफेस से हमेशा मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट होते हैं? वेपर्स में। ये लिक्विड है और इससे क्या बनती रहती है? वेपर्स। और एक टाइम पे इनमें क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। जब ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कब आता है? जब जितनी हमारे पास यहाँ पे वेपर्स बन रही हैं उतनी नीचे कंडेंस हो रही हैं। तो ये चीज आगे पढ़ाएंगे, अभी के लिए याद रखो कि हमारे पास अगर कोई पानी का बॉटल भी है, कोई भी चीज है, तो उसमें क्या होगा? पानी का बॉटल है या कोई दूसरा लिक्विड है, मान लो कोई हमारे पास डीजल है, पेट्रोल है, तो अगर बताओ कॉर्क लगा के रखते हैं तो पानी क्या होता है? जितना लिया उतना ही रहता है। सबको याद है, मान लो 1 लीटर पानी लिया था तो 1 लीटर पानी रहेगा। अच्छा बताओ अगर हम लोग ने क्या किया, मान लो ऐसे धूप में इसको रख दिया और इसकी जो है कॉर्क हटा दी, तो क्या पानी 1 लीटर रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यहाँ पे जो वेपर्स हैं वो तो बन के रुक गई, बाहर नहीं निकल पाई है ना, थोड़ी बहुत जो वेपर्स बनी है। यहाँ पे भी वाटर वेपर है, यहाँ पे भी क्या है? वाटर की वेपर्स हैं। वेपर्स मतलब गैस फॉर्म में वाटर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हम कॉर्क निकाल देंगे, मान लो हमने जो ढक्कन है इसकी वो यहाँ बाहर निकाल के रख ली है, ये हमारी कॉर्क यहाँ रखी हुई है। हाँ, वाटर फिल्ट्रेशन भी इससे करते हैं, सिंपल मेथड है। बहुत सारी चीजें आगे और पढ़ेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से वेपर वेपर निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, और धीरे धीरे जो पानी है उसका लेवल कम होता जाएगा। डिक्रीज इन मास ऑफ वाटर, डिक्रीज इन मास ऑफ वाटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? वेपर्स बनती जाएंगी, वेपर्स बनती जाएंगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोपरेशन बोलते हैं। ये हम लोग ने 9th-10th में पढ़ा है। अब इसको तो वाटर वेपर बोलते हैं, ये बात हमें पता है। तो कहने का मतलब ये है, किसी बंद अगर हमारे पास कोई बॉटल है, कोई हमारे पास कंटेनर है, तो उसमें वाटर वेपर्स होती है। अब अगर मेरे पास सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसके अंदर मान लो बोला है कि किसी गैस को हम लोग ने क्या करा है? कलेक्ट करा है। सुनो, मान लो यहाँ पे गैस को क्या करना है? कलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे कोई हमारे पास क्या रखा है? बीकर रखना है, इस तरीके का कोई कंटेनर मान लो ले लिया हमने। यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन कराई, कुछ सब्सटेंस लिया, और यहाँ पे क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से कोई गैस बनी है, वो गैस जो है हमारी ऊपर की तरफ निकल रही है ना। यहाँ पे मान लो हमने कोई नली डाली है,
और उसके बाद इस ट्यूब के थ्रू हम गैस को ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं, गैस यहाँ से पार होते हुए ऊपर जाएगी। अच्छा, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ड्राई गैस। यहाँ से ड्राई गैस निकली है, ये गैस जब यहाँ से निकलेगी किस केमिकल रिएक्शन में क्या बन रही है, गैस बन रही है। ये गैस को हमें कलेक्ट करना है पानी के ऊपर, ये एक तरीका है गैस को कलेक्ट करने का। तो गैस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गैस को कलेक्ट कर रहे हैं, गैस कलेक्शन। तो ये गैस जब यहाँ पे बनी थी तो इसके पास कोई भी पानी नहीं था, ये गैस कैसी थी, ड्राई गैस। जब कोई भी चीज हम जलाते हैं, कोई रिएक्शन करते हैं तो गैस ऊपर निकलती है, तो वो ड्राई गैस होती। बट हमने इसको कहाँ पे कलेक्ट करा है, ओवर द वाटर कलेक्ट करा है। ये पानी रखा है इसके ऊपर, हमने इसको कलेक्ट किया है वाटर के ऊपर। चूंकि इसको हमने कलेक्ट किया है इसलिए इस गैस के साथ साथ यहाँ पे बताओ क्या प्रेजेंट होगा, जल्दी बताओ क्या प्रेजेंट होगा, वाटर वेपर। क्या प्रेजेंट होगा, यस स्टीम कह सकते हो। स्टीम जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोलते हैं, और हर टेम्परेचर पे क्या बोलते हैं उनको, वाटर वेपर्स। क्या बोलते हैं, वाटर वेपर्स। अगर वाटर वेपर्स, हाँ, तो वाटर वेपर्स का प्रेशर जो है, मान लिया उसको हमने बोल दिया है पी वाटर वेपर। क्या बोल दिया उसको, पी वाटर वेपर। इसी को दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, बोलो, एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्वस टेंशन। याद रखोगे क्या, जो वाटर वेपर्स का प्रेशर होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। और गैस का जो प्रेशर होगा वो भी कुछ होगा पी ड्राई गैस। तो बताओ यहाँ पे गैस अब ड्राई है या वेट हो गई है, वेट गैस। ये गैस कैसी है, जो यहाँ पे गैस है इसमें साथ में क्या मिला हुआ है, वाटर वेपर्स भी मिले हुए हैं। तो यहाँ जो गैस कलेक्ट हुई है वो कैसी गैस हो गई है, वेट गैस। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, जो प्रेशर ड्राई गैस और वेट गैस में, मतलब ऐसा कुछ फिजिकली कुछ अलग दिखते क्या दोनों? नहीं, दिखने में तो गैस ज्यादातर कलरलेस ही होती है, और वाटर वेपर्स भी कलरलेस होती है ना, वाटर वेपर्स के अंदर कलर नहीं होता है। बट हाँ, जब वो कंडेंस फॉर्म में रहती है तो हमको वो आंखों से दिखता है स्टीम बनते हुए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो नहीं दिखेगा। तो कंडेंस्ड फॉर्म में हमको जो है वाटर वेपर्स जो है दिखती है। तो यहाँ पे फर्क किसमें होगा, डेंसिटी में फर्क होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होगा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो अच्छा, वाटर उसमें जाते इसलिए डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी। तो पी वेट गैस कितना होगा, मतलब कुछ तो चेंज होगी, पी ड्राई गैस प्लस पी वाटर वेपर, डाल्टन्स ला लगाएंगे, यही आएगा कि नहीं, सबको समझ में आया? ये पढ़ाने के लिए मैंने ये सब समझाया है, एक लाइन ये पढ़ाने के लिए। What is the, अच्छा आर्यन पूछ रहा है, ये गैस को कलेक्ट करने का तरीका है, गैस को ठंडा करके कलेक्ट करते हैं। जब इस ट्यूब से गैस पास होती है तो गैस क्या होती है, आसानी के साथ ऊपर कलेक्ट होती है। गैस हल्की होती है तो गैस नीचे आएगी नहीं और वो आराम से कलेक्ट हो जाएगी। तो कंटेनर के अंदर हम लोग वाटर से पास करा के गैस को कलेक्ट करते हैं, ये गैस कलेक्शन का एक तरीका है। अच्छा, वाटर वेपर से पास करने की जरूरत क्या है? नहीं, वाटर वेपर से नहीं बच्चे पास किया है, पास तो किया है वाटर से पास किया है ना। हाँ, ये पूछ सकते हो क्वेश्चन कि वाटर से क्यों पास करते हैं। देखो, उसके अंदर पहली चीज तो ये है, जो वाटर है वो यूनिवर्सल एक सॉल्वेंट है, अगर कोई गैस होती है तो वो क्या हो जाती है, उसमें घुल भी जाती है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, नली जो है, जो ट्यूब है, वो पानी से अंदर होके गई है। तो क्या बताओ, पानी उसके अंदर है, पानी तो नहीं है उसको, इससे कोई मतलब नहीं, वो उसको कलेक्ट करने का बस एक वे है। अब ये यहाँ पे आता है कि वाटर ही लिक्विड क्यों लिया जाता है, या फ्री कंटेनर में क्यों नहीं कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो चीज है ना, इसके लिए ये चीज बताई जाएगी कि हमारे पास जो गैस है उसको वाटर से, क्योंकि वो हल्की गैस होती है, तो इसको कलेक्ट करने का तरीका ये भी है कि हम इसको एक कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लें, सिंपल कोई हमारे पास कंटेनर हो उसके अंदर हम इसको कलेक्ट कर लें इस तरीके से। मतलब कोई भी कंटेनर में इस गैस को डाल दें तो कलेक्ट करके उसमें रख सकते हैं। बट चूंकि जो वाटर वेपर है इसके साथ कलेक्ट करने से क्या होता है, जो हमारे पास गैस है उसके अंदर, जैसे मान लो गैस का टेम्परेचर, जब गैस बन रही है उस समय उसका टेम्परेचर 150 है, 120 है, तो यहाँ पे कलेक्ट करने पे वो गैस कूल भी होती है, बिकॉज वाटर के अंदर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। और इसकी कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं है क्यों कलेक्ट करते, तुम इसको नॉर्मली भी कनेक्ट कर सकते हो। बट चूंकि ये एक पुराना मेथड है, बहुत दिनों से इसको यूज किया जाता है, तो ये एक सिंपल तरीका होता है कलेक्ट करने का।
ठीक है, इसका कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल ये नहीं है कि इसको क्यों करते हैं, ठीक है। अच्छा तो पेपर को कलेक्ट, मतलब सॉरी ड्राई गैस को कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसका कोई यूज होगा ना, तो अगर उसको वाटर पेपर के साथ मिक्स कर देंगे तो फिर उसको यूज कैसे करेंगे? नहीं, यूज तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट देखो जब गैस इवॉल्व होती है, किसी भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है, तो गैस की डेंसिटीज क्या होती है, बहुत कम होती है, तो उस गैस की डेंसिटी के साथ उसको कलेक्ट करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल गैस होगी तो उस गैस को हम लोग वाटर से डिस्प्लेस मर्ज करके एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो गैसेस की डेंसिटीज बहुत कम होती है, तो खाली गैस को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा टफ माना जाता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसका मास को फाइंड करना प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली हम गैस को वाटर वेपर के साथ कलेक्ट करते हैं, और जो गैसेस वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होती है उनको हम इस तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं। बिकॉज अगर तुम मान लो तुम्हारी गैस जो है वो उसकी डेंसिटी बहुत कम है और उसका मास तुम्हें फाइंड करना है, तो तुम उसको क्या करोगे, किसी एक कंटेनर में ले जाके कलेक्ट करोगे, तो उसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे तुमने फॉर एग्जाम्पल कोई गैस हल्की थी, तुम अननोन गैस थी, उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो तुम यहाँ पे बैरोमीटर एक लगा के बैठे हुए हो। अब गैस की डेंसिटी इतनी कम है कि यहाँ पे प्रैक्टिकली हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है हम गैस का मास निकाल लें, उससे गैस का मास उससे क्या नहीं होगा, फाइंड आउट नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैस वाटर वेपर के साथ यूज करेंगे, तो वाटर वेपर का पहले से कुछ प्रेशर रहता है, और जब उसमें ड्राई गैस आएगी तो मान लो वो पहले प्रेशर 20 mm of Hg था और बाद में प्रेशर 20 mm of Hg हो गया, तो यहाँ से ड्राई गैस का प्रेशर कितना हो गया, 2 mm of Hg। ऐसे करके हम सॉल्व करके उसको निकाल लेते हैं। बिना वाटर वेपर के गैस इतनी ज्यादा हल्की होती है कि उसकी जो कैलकुलेशंस है वो हम लोग यूज नहीं कर पाते। तो सिर्फ हाँ, जो गैसेस नहीं लाइक वाटर के साथ डिजॉल्व होती हैं, इसके लिए यही सबसे तरीका है कि वाटर वेपर्स को हम लोग इस तरीके से कलेक्ट करें। सर थोड़ा सा ऊपर ऊपर, तो ये बहुत टेक्निकल ऐसा नहीं इसमें कुछ है, बट प्रैक्टिकली ऐसा माना जाता है कि अच्छा मेथड है। प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उसमें गलतियां ज्यादा आती हैं ड्राई गैस को वैक्यूम में कलेक्ट करने में। मान लो किसी एक खाली कंटेनर में गैस को कलेक्ट किया तो उसकी कैलकुलेशंस में मिस्टेक ज्यादा आती हैं, क्योंकि फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, कंटेनर्स हैं, वो सारे के सारे जो है वैक्यूम क्रिएट करना पॉसिबल नहीं उसके अंदर है। लेकिन अगर हमारे पास वाटर वेपर्स है ही, नमी है, तो हम उसको यूज करके एक्स्ट्रा गैस जो आई है उसका प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे आसपास की जो एयर है उसमें पहले से वाटर वेपर्स हैं, तो किसी भी कंटेनर में अगर कलेक्ट करेंगे तो उसको वैक्यूम बनाना पड़ेगा, और अगर पानी के अंदर कलेक्ट कर लिया, पानी के ऊपर कलेक्ट कर लिया, तो पहले का प्रेशर जो है वो पता रहेगा। पी वेट गैस जो आएगा, ये क्या आएगा, ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर, तो ड्राई गैस तो माइनस करके निकाल लेंगे। ओके सर। तो बहुत टेक्निकल इसका कोई ऐसा आंसर नहीं है कि तुमको बताया जा सके कि इस वजह से होता है। प्रैक्टिकल जो हम लोग करते हैं वहां पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सबने नोट कर लिया ये? यस सर। अच्छा, कोई स्टेटमेंट किसने दिया? स्टेटमेंट ये किसी ने नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं है ये। कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहे थे सर? डेफिनेशन नहीं, इसका कोई डेफिनेशन तो नहीं सिखाया, ऐसा है ना, है ना? डेफिनेशन इसका लिखाना है कि पूछ रहे हो किसने दिया है? नहीं सर, मतलब डेफिनेशन होगी तो अच्छा पड़ेगा। अच्छा, मैं लिखा दूं डेफिनेशन, क्या ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। अच्छा अच्छा, देखो मैं ऐसे लिखा सकता हूँ इसमें, तो मैं तुमको लिखा ही देता हूँ। हाँ प्रणव, यस, देखो इसके अंदर ऐसे लिखो, सिंस इट इज नॉट practically convenient to जो गैसेस हैं उनको कलेक्ट करना कन्वीनियंट नहीं है ड्राई फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक पूरा स्टेटमेंट ही लिखा दे रहा हूँ जो मैंने बोला है, शायद वो तुम लोग याद रख पाओ कि नहीं रख पाओ, मुझे उसमें डाउट है, इसलिए मैं पूरा उसको लिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक बच्चे ने बोला भी है कि आप सर उसको लिखा दीजिए, तो अच्छा रहेगा ये कि मैं इसको लिखा दूं। क्या सर? ये डेफिनेशन बोल रहा है, इसकी लिखा दीजिए सर। तो मैंने बोला ठीक है, लिखा देता हूँ।
तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली कन्वीनियंट टू कलेक्ट दी गैसेस विच आर वेरी लाइट एंड टू फाइंड द मास ऑफ कलेक्टेड गैस मास ऑफ कलेक्टेड गैस ये पॉसिबल नहीं होता है. Hence the dry gases which are not soluble. क्योंकि Dalton's law अगर लग रहा है बच्चे तो क्या कंडीशन थी Dalton's law लगाने की, जल्दी बताओ क्या कंडीशन थी, कब लगाते हैं Dalton's law, क्या कंडीशन होती है उसके लिए? Non-reactive. Very good. तो गैसेस नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए. अगर गैस रिएक्ट कर गई तो Dalton's law लगेगा नहीं. इसका मतलब जो गैस है वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, मतलब वो पानी में सॉल्युबल नहीं है. कितने लोग को समझ में आया ये पॉइंट? मींस द गैस इज नॉट रिएक्टिंग विद वाटर वेपर. ये समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ, ये समझ में आना चाहिए. बहुत आसान पॉइंट है भाई. भाई तुम यहाँ पे इसको कलेक्ट कर रहे हो, ये पानी नीचे रखा हुआ है, क्यों करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन करते हैं उसके बाद का तो पता होना चाहिए कि क्यों पॉसिबल है कलेक्ट करना. बिकॉज ये जो वाटर वेपर्स हैं ये हमारे पास पहले से थी. अब इसके अंदर कोई नई गैस मान लो एक आ गई, अब ये इसके से रिएक्शन नहीं होनी चाहिए इसकी. अगर रिएक्शन होगी तो हम ये फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे. तो उन्हीं गैसेस को कलेक्ट करते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, which are not soluble in water. Hence, the total pressure of the gas and pressure of water vapor gives the प्रेशर ऑफ वेट गैस. यहां पे ड्राई गैस कर लो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. प्रेशर ऑफ वेट गैस. तो हमेशा याद रखना कि हम लोग सिर्फ इसीलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि गैसेस हल्की होती हैं, उनको कलेक्ट करके मास निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो सबसे अच्छा तरीका है पानी के साथ कलेक्ट करो उनको. ठीक है. सबने लिख लिया ये? यस सर. ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों जो यहाँ पे मैंने तुमको सिखाए हैं. ये वाले पॉइंट्स कि इस गैस को कैसे कलेक्ट करा जाता है, क्योंकि अगर खाली गैस होगी तो बहुत महंगा इक्विपमेंट बनेगा, लेबोरेटरीज के अंदर रखना उसको पॉसिबल नहीं होगा. बट जब वाटर के अंदर हम लोग डिस्प्लेस करके निकलवाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है. आसान पड़ता है, सस्ता पड़ता है. ठीक है, तो ये चीज है. नेक्स्ट देखो, अब हम फॉर्मूला जो बनाया है हमने उस पर वापस आ जाओ. P वेट गैस, कितने लोग को याद है ये फॉर्मूला? प्लस P वाटर वेपर, इसको क्या बोलते हैं बोलो? एक्विस्टेंस. हाँ, इसको बोलते हैं एक्विस्टेंस. तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि क्यों कलेक्ट करते हैं तो सीधा सीधा जवाब क्या देना है? क्या जवाब दोगे बताओ? अभी कुछ समझ में आया क्या आंसर हो सकता है इसका? Why gases are collected over the water? Sir, it is much easier to do. बस सिंपल आंसर है और इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है. बिकॉज हमारे पास जो जब ये डिस्प्लेस करेगा ना गैस वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो जो भी कंटेनर है हमारे पास ये, इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज करेगा. इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा?
इंक्रीज करेगा, उसको हम रीड कर लेंगे आसानी के साथ, हमें पता चल जाएगा क्या हुआ है। तो इसके लिए बस यूज किया जाता है, इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस, केमिस्ट्री तो इसमें है ही नहीं बिकॉज रिएक्शन हो ही नहीं रही है, समझ में आ रहा है, रिएक्शन नहीं कराना है हमें, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो डाल्टन्स लॉ लग नहीं पाएगा। हाँ सर, अगर जो ड्राई गैस है उसका मतलब एक्वास्टेंस ऐड करने के बाद भी उसका कुछ ये नहीं आ रहा, मतलब पी ऑफ वेट गैस भी एक्वास्टेंशन के बराबर आ रहा है, तो फिर मतलब पी ऑफ वाटर वेपर बदलेंगे, वाटर को चेंज करेंगे तो और देंगे। मतलब तुमने बोला है कि जो जो पी गैस फाइनल आ रहा है, क्या बोल रहे हो, पी वेट गैस? यस सर। पी वेट गैस कितना आ रहा है आर्यन? एक्वास्टेंशन के बराबर आ रहा है। एक्वास, तो इसका मतलब फिर तो ड्राई गैस है ही नहीं, इसका मतलब गैस कलेक्ट नहीं हुई है फिर तो, ये तो रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ तो बढ़ेगा। और सर ड्राई गैस है? नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है आर्यन, अगर यहाँ पे ड्राई गैस है भी और उसके बाद भी पूरा आ रहा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? एक्वास्टेंशन प्लस होगा ना कुछ, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, थोड़ा बढ़ेगा ना वो? पर नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा या, पर अगर मतलब ड्राई गैस का जो ये है ना वैल्यू, हेलो, हाँ जो वैल्यू है उसकी, हाँ सर वो बहुत कम होगा, तो फिर उसके लिए जो वाटर होगा ना अंदर का कंटेनर, हाँ। के अंदर को उसको किसी केमिकल के साथ रिप्लेस करेंगे कि नहीं? करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर अगर इस मेथड से हम नहीं पता लगा पा रहे हैं तो दूसरे मेथड यूज करेंगे, और मेथड्स भी होते हैं कलेक्शन के, ठीक है? ओके सर। ये वाटर नहीं, ये हम लोग रिप्लेस कर सकते, ये मेथड का ही नाम है ये, तो हम इसमें दूसरे मेथड नहीं यूज कर सकते हैं। सर एक्वास्टेंशन का ऐसा यूनिट क्या है? एक्वास्टेंशन का भी ऐसा यूनिट प्रेशर का ही ऐसा यूनिट है, दैट इज पास्कल, है ना? और याद रखोगे सर वेट गैस और ड्राई गैस का, वो तो डिपेंड करता है ना कितनी गैस है क्या प्रेशर है, ये दोनों तो वेरिएबल है ना, ये भी वेरिएबल है और डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेशर, किस पे डिपेंड करता है ये बोलो? टेम्परेचर पे, किस पे डिपेंड करता है ये? टेम्परेचर। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा बताओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाँ अभी मैं स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कितने लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ सर अभी दिख रही है। सर दिख रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज चल रही है, इसको इसमें स्क्रीन दिखनी चाहिए, दिख रही है स्क्रीन, बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ सर दिख रही है। यस सर। देखो अब मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, 825 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, 825 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 28.3 mm ऑफ Hg, ये होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और 0.03138 atm, इसको याद रखोगे, नहीं याद रखोगे तब भी काम चलेगा, बट ऐसे याद रखो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस पे? टेम्परेचर पे। अच्छा बताओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, दिमाग लगा के बताओ। बताओ कितना होता है बोलो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है ना ये, जनरली अगर 180 एटीएम प्रेशर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमको पता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर्स जो हैं वो किसके बराबर हो जाएंगी बोलो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगी। बाहर का प्रेशर कितना लग रहा है? 180 और यहाँ से और यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया? 180। इसीलिए तो बोलते हैं बॉयल करने लगा। बॉयलिंग का मतलब क्या होता है? हर जगह से मॉलिक्यूल गैस में चेंज हो रहे हैं ना,
बॉइलिंग और इवेपोरेशन में दोनों में फर्क पता है? यस, पीएटीएम कैन नॉट, स्टीम इंजन कैसे चला पाएगा वो? हारे तो अलग बात है। सुनो बच्चे, कितने लोग को समझ में आया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा उस पे, है ना? समझ रहे हो? 1 एटीएम पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, यस सर, हां, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेंपरेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखोगे इसको? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बोलो बोलो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? द टेंपरेचर दी प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, द टेंपरेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लो नॉर्मल कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम। तो एट 1 एटीएम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सही बात है, जो नॉर्मल पानी रखा होता है ग्लास में उस समय भी कितना प्रेशर होता है पानी का बताओ? इतना सा होता है, थोड़ा सा, है ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना होता है? 0.0313 एटीएम। यस, स्टीम हैज ए 1 एटीएम प्रेशर। जब वो निकलती है एट द टाइम ऑफ वेपराइजेशन, उसके बाद उसका प्रेशर कम हो जाता है। आर्यन, हर जगह नहीं बोल सकते हो ना, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, फिर तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, उसका प्रेशर कम होता जाता है और फाइनली वो कंडेंस हो जाती है या फिर जो है वाटर वेपर्स के फॉर्म में ऊपर उठती जाती है, ऊपर उठती जाती है और उसका क्या हो जाता है? बोलो, वेपराइजेशन होकर के वो ऊपर चली जाती है। तो ये चीज है, किसी को इसमें डाउट है? सबने लिख लिया ये? एक सेकंड सर। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसको ध्यान से याद करना। Yes, RN. RN log out हो गया था। मैंने क्या बोला है? Boiling point क्या होता है? The temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. ठीक है? At 1 atm, the boiling point of water is 100 degree centigrade. मतलब RN क्या होता है? जब हमारा वाटर का या कोई भी लिक्विड हो उसके वेपर्स का जो प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ, ये ऊपर तरफ क्या लगाते हैं? प्रेशर। ये प्रेशर जो नीचे प्रेशर लग रहा है उसके बराबर जब हो जाएगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। 1 एटीएम प्रेशर पे वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना होता है वो? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एनी डाउट्स आर्यन, आगे बढ़ जाएं? नो सर। समझ में आ गया? केल्विन में 373 होगा या ऐसा प्रश्न में? नो डाउट, यस। सर, अगर मतलब ये जो मास होगा ना इसका, स्टीम का, अगर उसे बढ़ा देंगे तो फिर प्रेशर भी बढ़ेगा ना? किसको बढ़ा देंगे? लिक्विड का मास सर, क्वांटिटी
नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ये तो पर यूनिट एरिया होता है ना। यहां लिख देता हूं मैं, वेपर प्रेशर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन टू थिंग्स, दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। फर्स्ट वन क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। सेकंड क्या है बोलो? टेम्परेचर। सेकंड क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? देखो मेरी बात ध्यान सुनना, सबको बताओ, सबको पता है इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन क्या होता है? Yes. बोलो, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली ये एनी टेम्परेचर पे होता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपरेशन सरफेस फेनोमेना है या बल्क फेनोमेना है? सरफेस फेनोमेना। बोलो, इट इज अ सरफेस फेनोमेना, सरफेस से होता है ये। और जो बॉइलिंग होता है वो बल्क फेनोमेना है। मतलब अगर यहाँ पे पानी या कोई लिक्विड रखा है तो क्या होगा, यहाँ जो पानी भर के रखा होगा तुमने, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो गैस में चेंज होंगे। किसमें चेंज होंगे? वो गैस में, ऊपर की तरफ जाएंगे, ये ऊपर उठेंगे। तो सरफेस से होगा, एक लेयर जाएगी फिर दूसरी लेयर जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, विंड स्पीड पर डिपेंड करता है। ये सब पढ़ा है कि नहीं 9th-10th में? Yes. इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, बताओ किस पे? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तुम उससे ही कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए मैंने तुमको सिखाया यार, तुमने पूछा ना उसमें। तीसरा किस पे होता है? विंड स्पीड पे। किस पे होता है? और फोर्थ क्या लिखोगे? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है बताओ? बताओ, मॉइस्चर इन एयर है ना, या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर या एयर। एयर लिख दो चलेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, तो ये क्या है? वाटर है। और ये क्या है? वाटर वेपर्स हैं। तो समझ में आ गया? एनी डाउट्स? नो सर। नोट करो। नहीं, प्रणव, फॉर मेटल बॉइलिंग पॉइंट इज सेम एज लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर्स, उसके लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है। बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन इज वैलिड फॉर ऑल द एलिमेंट्स, नॉट ओनली फॉर द वाटर। ओके, तो मेटल की वेपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा। हाँ, इधर बताओ, सबको समझ में आया इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन समझ में आ गया? अब मैं एग्जांपल लेता हूं। बताओ किसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ए में या बी में? B. In which rate of evaporation is more? B में होगा। सर जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा ज्यादा होगा। हाँ, बी में होगा। ओके, गुड, वेरी गुड, ये आंसर है। अभी मैं सिखा दूंगा, तुम टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे सब सिखाएंगे हम। मुझे लगता था कि 9th-10th में शायद पढ़ा हो, बट थोड़ा बहुत भूल गए हो, फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ। दूसरा देखो, दूसरा इधर सुनो, क्वेश्चन पे ध्यान दो सारे लोग। Yes. जो पढ़ा रहा हूं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी क्वेश्चन दिया नहीं है, रुक जाओ थोड़ा। सब 1 लीटर के हैं। यहाँ देखो ह्यूमिडिटी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, ये अलग क्वेश्चन है। ऊपर का 60% है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी 55% है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी 50% है। आप बताओ रेट ऑफ इवेपोरेशन बताओ किसका ज्यादा होगा। हाँ देखो, जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है उसमें क्या होगा, जैसे बरसात में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो कपड़े सूखते नहीं है, क्लॉथ जो है वो ड्राई नहीं होते हैं, सबको पता है। yes. हाँ क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो दिन का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है, बट टेम्परेचर में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है जितना ज्यादा डिफरेंस जो ह्यूमिडिटी पे पड़ता है। जब बरसात होती है ना तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ी भी मॉइस्चर से पानी से जो वेपर से वो मॉइस्चर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए कपड़े सूखते नहीं है, बहुत गीले गीले से रहते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका होगा आंसर बताओ, क्योंकि सब में 1 लीटर पानी है। तो पहली कंडीशन क्या है, इसकी तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है और इसकी तो टेम्परेचर भी कम है, सबसे कम तो ए में होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा बताओ, सी में। दूसरे नंबर पे किस में होगा, बी। हाँ क्योंकि देखो यहाँ पे टेम्परेचर तो दोनों का बराबर है बट यहाँ 55 डिग्री सेंटीग्रेड की ह्यूमिडिटी है, तो बी दूसरे पे आएगा। और सबसे धीरे धीरे होगा ए वाले का इवेपोरेशन। सबको समझ में आ गया इवेपोरेशन क्या होता है? यस सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बट ये इवेपोरेशन यहाँ पे किससे बन रहा है, वेपर से बन रहा है, किससे बन रहा है, वेपर से बन रहा है। अभी मैंने पढ़ा है जो वेपर्स का प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बोलो, टेम्परेचर पे। तो बताओ वेपर प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, बी और सी में ज्यादा होगा। हाँ टेम्परेचर इनका बराबर होगा, बी और सी का क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सी। ओके और ये जो है दोनों किससे ज्यादा होंगे, ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ए, ऐसे समझना है तुम्हें। ऐसा क्यों होता है, देखो जब यहाँ पे अगर मान लो हमने बड़ा भी कंटेनर ले लिया तो एरिया भी तो बढ़ेगा साथ में, साथ में क्या बढ़ेगा, एरिया भी तो बढ़ेगा। और प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो ये ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, मान लो यहाँ टेम्परेचर दोनों जगह क्या था 25-25, तो बताओ दोनों जगह वेपर प्रेशर क्या होगा, किधर ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, ए में या बी में। बोलो सर, बी में। सेम में ज्यादा होगा, एक बच्चे ने आंसर दिया है, सेम है ना, दोनों में सेम होगा क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है भाई। यहाँ वेपर्स ज्यादा होंगी, क्या ज्यादा होंगी यहाँ, आर्यन वेपर्स, प्रथमेश और हिमांश क्या ज्यादा होगी बताओ, ईशान वेपर्स। Yes, sir. हाँ सर। अभी मिताली ने आंसर दिया था क्या, किसने दिया था, हाँ तुमने आंसर दिया। देखो तो बच्चे देखो यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं ना, वेपर्स किसमें ज्यादा है, ए में या बी में, बी। बी में, लेकिन वेपर प्रेशर तो क्या होगा, वो तो पर यूनिट एरिया देखते हैं ना, एक एक जो वेपर बन रही है उसका कितना प्रेशर लग रहा है, इस तरीके से भी समझ सकते हो आसान बनाने के लिए। वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना, कितनी इंटेंसिटी के साथ जो प्रेशर निकल रहा है, ऊपर वेपर निकल रही है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ टेम्परेचर पे, है ना। आप समझ में आया ना, वेपर्स तो बढ़ सकती हैं बट वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम। ओके सबको समझ में आ गया, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लिक्विड और वेपर्स के, इनको याद रख लो, मैंने काफी सवाल करवा के समझाया इसलिए। हाँ आर्यन, जो सेकंड डायग्राम है ना आर्यन, उसमें वेपर्स ज्यादा होंगे बट वेपर प्रेशर तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना बच्चे,
प्रेशर का मतलब होता है पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लगाता है वो। भाई वेपर्स यहाँ से निकली, वेपर्स यहाँ से निकली और यहाँ से भी निकली, तो यहाँ का एरिया अगर ए है और यहाँ का टू ए है, तो यहाँ पे फोर्स अगर एफ है, यहाँ पे फोर्स टू एफ है, तो फोर्स अपॉन एरिया तो दोनों जगह पे क्या आएगा, सेम आएगा, आएगा कि नहीं बच्चों बताओ? यस सर। हाँ यस सर, तो फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर। इसे एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो ना। हाँ, तो हमने आज क्या सीखा कि गैस को हल्की होने की वजह से कलेक्ट करते हैं और वाटर से कलेक्ट करने के बाद में उसका प्रेशर डाल्टन्स लॉ से तभी निकाल पाते हैं व्हेन द कंडीशन इज गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग। कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग हाँ, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उस गैस की, उन गैसेस को ही कलेक्ट करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो तुमको पढ़ने को मिल जाएंगे बाद में। हो गया सर। ओके, नीचे का लिख लो, जो भी लिखना है लिख लो। हो गया सर। अगर इस पे सवाल दूंगा ट्राई करोगे? एक बस टेंशन पे क्वेश्चन आता है आईआईटी में। यस सर। ठीक है, तो बताओ एक्वस टेंशन किस पे डिपेंड करता है? बोलो, टेम्परेचर पे करता है कि नहीं? यस सर। क्या वो प्रेशर पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है ना, प्रेशर तो वो खुद है, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगा, है ना? यस सर। यस सर, वो तो खुद प्रेशर है ना, खुद प्रेशर है तो वो कैसे प्रेशर पे डिपेंड करेगा? ओके, तो मैं क्वेश्चन तलाश करता हूँ जिसमें, वैसे मैं खुद से भी बना दूंगा फिर फाइनली, कोई बात नहीं है, बट एक मिनट रुक जाओ सर। अभी आपने ये सब जो समझाया उसमें आपने बोला था वेपर प्रेशर वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब सर क्या? जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी लिया, आप तुम बताओगे आंसर, ठीक है प्रथमेश? प्रथमेश बोल रहे हो ना? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे पेट्रोल ले लिया, अब बताओ किसका वेपर ज्यादा होगा प्रेशर? सर पानी का। नहीं, पानी का कहाँ ज्यादा होगा, इसका तो पानी ज्यादा वेपर होगा ना। ओके सर, पेट्रोल का होगा। पेट्रोल कभी देखा है? उसको खोल के रखते हैं उड़ जाता है, कितने लोग को पता है ये बात? समझ गए। यस सर, पेट्रोल ज्यादा। हाँ, तो ये याद रखना है तुम्हें। ओके सर, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा है तभी तो उड़ रहा है। लिक्विड में अलग अलग फॉर्म्स। ओके सर, समझ गए। हाँ, लिक्विड के नेचर पे, ये लिक्विड कैसा है? H2O है, ये उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, एस्केपिंग टेंडेंसी इसके अंदर ज्यादा है, वोलेटाइल है, इसको क्या बोलते हैं? मोर वोलेटाइल। कैसा है ये वो टर्म पढ़ा होगा ना कभी 9th-10th? हाँ सर। लेस वोलेटाइल है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, एक साइड में अगर लिखना है। okay, sir. ये सारे टर्मिनोलॉजी काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, छोटी छोटी चीजों पे हमसे सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें ये करना आना चाहिए। तो एक मिनट, चलो मैं अपनी तरफ से देता हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। एक पहले सवाल देता हूं,
CO2 gas is collected over water in a container of हाँ कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं यस परफ्यूम्स तो बहुत वोलेटाइल होते हैं मिताली यस वेरी गुड परफ्यूम्स आर वेरी वोलेटाइल दैट्स वाई उनकी वेपर्स तुरंत बन जाती हैं जैसे हम उनको खोलते हैं वो क्या बन जाते हैं वेपर्स में बन जाते हैं तो परफ्यूम्स केमिकल भी होते हैं नेचुरल भी होते हैं देखो जो फूल होते हैं ना फूल उनके अंदर क्या होता है बहुत ज्यादा हो रहा है क्या हाँ सर थोड़ा सा हमको लगता है इसका कुछ साइज चेंज हो गया ठीक है इसको इसी साइज में रखते हैं अभी ये तो बहुत ही छोटा हो गया आएगा नहीं सही नहीं छोटा नहीं है ऐसा काम चलने वाला है अब बराबर बट मुझे नहीं लगता है एक्चुअली वो उसको इसके हिसाब से आना चाहिए था जो फर्स्ट लिखा है क्योंकि पीडीएफ बनाते टाइम पे मुझे ये प्रॉब्लम होता है बट मैंने ध्यान नहीं दिया उसका उस समय जूम इन करवाया था चलो ठीक है आधा आधा दिख जाए तुम्हें यहाँ से मैं अब लिखता हूँ फिर से लिखता हूँ ऊपर वाला क्वेश्चन जो भी लिखने जा रहा था मैं CO2 gas is collected over water in a container in a container of 5 liter bracket mein likho assume the volume of water present negligible assume the volume of water present aise bhi likh sakta hai ya likh sakta hai jo free space hai wo 5 liter ka hai maan lo 6 liter ka container hai 1 liter pani hai to 5 liter jo hai jagah khali hai samajh rahe ho ki nahi but yahan pe ye likha assume the volume of the water present in the container is नेग्लिजिबल बट पानी है केवल उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द कंटेनर इज 3 या ऐसे लिख सकते हैं 560 mm ऑफ HG देन फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस ये क्वेश्चन लिखा है नीचे लिखा रहेगा गिवन दैट extension of water same temperature पे extension का मतलब ही पानी aqueous मतलब पानी और tension मतलब vapor pressure यहाँ पे हर जगह tension का मतलब ये नहीं होता है 20 mm hg solve करके बताओ क्या आंसर आएगा सबने सबने समझ में आया क्वेश्चन क्या है yes.
तो इस कॉन्सेप्ट से पता चल जाएगा क्या कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। यस यस यस। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर नहीं दिया है बच्चे, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, डाल्टन्स लॉ नहीं, टेम्परेचर फाइंड भी नहीं करना है, पूछा नहीं सवाल क्या मैंने, पार्शियल प्रेशर पूछा है ना, मैं भी भूल गया था क्या पूछा है सर, पर उसके लिए n1 अपॉन n टोटल भी लगेगा ना? नहीं बच्चे, उसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी वेट गैस इज इक्वल टू पी ड्राई गैस प्लस एक्वस बोलो बच्चों किसने आंसर ला? बोलो किसका आंसर निकल के आ गया बच्चों? MMSG श्रुति तुम्हारा आंसर आया? यस सर। आदित्य ओके, हेमांश समझ में आया? हेमांश भाई फॉर्मूला ही तो लगाना है हेमांश, ये सिंपल सा क्या क्वेश्चन बड़ा लिखा है इसलिए नहीं कर पा रहे हो? नहीं सर ट्राई कर रहा हूँ। 560 माइनस 20 है। आंसर्स आए? बोलो देखो मैं तुमको क्वेश्चन पढ़ना सिखाता हूं आज। क्या लिखा है? CO2 गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर इन ए कंटेनर ऑफ 5 लीटर। ध्यान से देखना, 5 लीटर का कंटेनर है पानी को छोड़ के, हेमांश समझ में आया ये बच्चे? ये वाला 5 लीटर है, कितना है 5 लीटर, कितना है ये पानी है इसके अंदर, जो भी है ये वाटर बना देता हूं ऐसे ऐसे करके लो, 5 लीटर क्या इसमें CO2 गैस, और साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा बोलो? वाटर वेपर होगा कि नहीं होगा? अब पूरा प्रेशर कितना है, पी वेट गैस कितना है 560 mm ऑफ HG, और एक्वस टेंशन कितना है बोलो बच्चों? 20 mm ऑफ HG। CO2 सिर्फ कितना बचेगा, 540 बचेगा कि नहीं? यस। यहां तक कितने लोगों को समझ आया?
हिमांश को भी समझ में आ गया होगा, आदित्य को, प्रणव को। अच्छा मेरी राइटिंग भी फास्ट फॉरवर्ड हो रही है प्रणव सर, वो आप लिख रहे हो तो भी मतलब कर्सर जब हिल रहा है तभी कुछ आ ही नहीं रहा है और फिर बाद में एक ऐसे झटके में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? अभी तो स्क्रीन अभी देखते हैं, अभी अभी हटा दिया मैंने ना उसको, फिर से लाया हूं। हां जो इतना बच्चे इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, मतलब जो पानी है ना उसको छोड़ के 5 लीटर है, पानी छोड़ के कितना है 5 लीटर जो वॉल्यूम है गैस के लिए, ठीक है? उसके बाद लिखा है द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज 560 देन दिस एंड दिस, तो आंसर आ गया। यहां तक समझ में आ गया? अब नीचे देखो क्या लिखा है, इफ दिस CO2 गैस वुड बी कलेक्टेड, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये गैस को क्यों कलेक्ट किया होता है, तो लोग पूछ रहे थे ना सर पानी में क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, तो भाई चाहे किसी बच्चे को लगा होगा कि चलो वैक्यूम वाला मेरे पास कंटेनर है खाली सा, उसमें कर लेते हैं, अच्छी बात है उसमें कलेक्ट कर लिया, वो 2 लीटर का है, तो पूछ रहा है अब बताओ प्रेशर कितना होगा CO2 का। अगर इसी CO2 को हमने 2 लीटर के कंटेनर में कलेक्ट करा होता तो मान लिया प्रेशर कितना बनता, पी डैश, तो क्या लगाओगे, बॉयल्स लॉ, क्या लगाएंगे सेम टेम्परेचर पे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, यही तो होगा। P1 कितना है, V कितना है, P2 कितना है, P डैश, V2 कितना है, 2 लीटर, कितना है सॉल्व करके बताओ, बोलो 0, 5, 13, 1350 यही आएगा सर। पर 2 लीटर का कंटेनर क्यों लिया, वो क्वेश्चन में दिया है ना, अगर इसको कनेक्ट अगर जो गैस यहाँ कलेक्ट करी है इतनी गैस को अगर 2 लीटर के कंटेनर में कलेक्ट किया होता तो उसका प्रेशर क्या होता, ज्यादा होता उतनी ही गैस का वॉल्यूम, 5 लीटर से 2 लीटर कर रहा हूं मैं, प्रेशर बच्चे सेम कैसे होगा, पीवी बढ़ेगा से देखो मैं वॉल्यूम को क्या कर रहे हो कम कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा। बॉयल्स लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चों, मतलब ये गैस देखो सुनो मेरी बात, ये ड्राई वाली गैस जो है ना इसको यहाँ नहीं डाला, यहाँ डाला है ना बाहर से, इसको इसको यहाँ नहीं डाल के इधर शिफ्ट कर देते, इसमें भर देते अगर, तो प्रेशर यहाँ पे कुछ अलग होता कि नहीं होता ये बताओ। क्या लिखा है, इफ दिस CO2 गैस इसको इस पानी के ऊपर कलर एक वैक्यूम कंटेनर में कर लिया होता, सो देन फाइंड पार्शियल प्रेशर, सॉरी लिखी गैस तो प्रेशर ऑफ CO2 गैस इन कंटेनर एट सेम टेम्परेचर, अगर सेम टेम्परेचर है गैस का प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कौन सा लॉ लगता है, बोलो ये लॉ समझ में आया कि नहीं प्रथमेश, तुम्हें समझ में आ गया ये? हाँ सर। कोई इसमें डाउट है तो पूछ, किसी को भी इसमें डाउट है तो पूछेगा, कहाँ पे डाउट है मैं समझा देता हूँ सर, पता चल गया ये पता था मतलब। अच्छा किसी को भी इसमें डाउट है, एनीवन? आज बहुत सारे बच्चे आज मुझे गायब लग रहे हैं, निशिगंधा आई है कुछ तो, 2 ही कम है बस। अच्छा 2 ही कम है? हाँ सर। अच्छा तुमने हार्ड वर्क किया है उसको ग्रुप पे भेजा रहे हैं, मतलब मेरे पास भेजा है, ओके गुड, हार्ड वर्क करना जरूरी है, आंसर तो आएगा ही आएगा। ओह टेम्परेचर तो दिया ही नहीं था आर्यन मैंने, इसकी जरूरत क्या थी, अरे मोल्स क्यों निकालोगे आर्यन, पीवी इक्वल टू एनआरटी तब लगाते हैं ना। नहीं नहीं तुमने ठीक अप्रोच किया है, बट तुम्हें जरूरत ही नहीं है एनआरटी लगाने की, पीवी से सॉल्व कर लो सिर्फ, है ना आर्यन, समझ में आया? ईशान yes, तुम्हें समझ में आ गया ये? ईशान yes, को yes, आर्यन को तो आ गया, ईशान बताएगा। सबने सबका हो गया, आगे बढ़े। तो हार्ड वर्क बोला मतलब क्या, सबमिट करना है व्हाट्सएप पे? करना नहीं है, वो एक आर्यन है बच्चा, उसने जो किया है ना उसने भेजा है मुझे व्हाट्सएप पे कि मैं सर ऐसे किया लेकिन गलत, तो ये मैं बता रहा हूँ टीचर नहीं ना तो इससे नहीं सॉल्व कर सकता। हाँ उसके लिए मोल चाहिए हमें, इसीलिए तो बॉयल्स लॉ लगाना है 2 अलग अलग कंडीशन में गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए, P1 V1 P2। अच्छा क्या सर
दोनों का लेके सॉल्व कर सकते हैं P1 V1 में, रॉन्ग हो जाएगा ना। CO2 और वाटर दोनों का अगर ले लिया प्रेशर तो क्या गलत होगा कि सही होगा इस इक्वेशन में? 540 लेना है कि 560, कौन बताएगा? जो गैस है ना ये तो ड्राई फॉर्म में थी, इसका प्रेशर जो है यहाँ पे कितना है सिर्फ 540 है ना, 20 किसका एक्स्ट्रा, वो तो वाटर वेपर का है ना, इसको क्यों लोगे? इसका तो कोई काम नहीं है ना। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे ही सवाल आता है जेई में, नीट में तो जो गैस है ना उसका गैस लेना पड़ेगा क्योंकि गैस पे लगा रहे हो ना तुम, वाटर वेपर तो यहाँ है ही नहीं दूसरी बार में, तो इस पे क्यों लगाओगे? इस पे तो लगेगा नहीं, सिर्फ किस पे लगेगा? ड्राई गैस पे। तो हमेशा जो P1V1 = P2V2 या P1V2 जब लेते हैं तो हम ड्राई गैस का पहले फॉर्म करते हैं, ड्राई गैस का पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा पी ड्राई गैस, देन वी विल सॉल्व। सबको समझ में आया? ओके यस सर। सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। हाँ सर, बहुत आवाज में रखा है। हाँ सर, बहुत सुनना पड़ रहा है, आवाज कट रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं जो पिछले समझाया, बस उतना बताओ। सर वो आया, वो आ गया समझ में। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई बात नहीं। उससे पहले जो है होमवर्क जो दिया था वो बताओ, आज होमवर्क ग्रुप पे भेजा है ना मैंने एक। हाँ सर, वो गैस का। ठीक है उस, हाँ बाय बाय का बाय बाय। ठीक है, जो जो जाते हैं वो जाएं। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, अभी आ रही है? अभी नाउ? यस सर आ रही है। सबको आ रही है एवरीवन? अच्छा सुनो, मैंने होमवर्क ग्रुप पे भेजा है, उसमें होमवर्क करना, ठीक है? जो क्वेश्चन नहीं होते उनको डिस्कस करेंगे डाउट्स में। यस सर। हाँ, और पिछला होमवर्क सबने सेंड कर दिया है मोल कॉन्सेप्ट का? यस सर। हर्ष, दिग्विजय, तुम लोग? हर्ष, दिग्विजय, धैर्य, हर्ष होमवर्क भेजा है तुमने? दिग्विजय, पनवेल, देखो दिग्विजय तो बोल भी नहीं रहा है, दीपक सिंह नहीं बोल रहा है। दीपक सिंह कैसे हो? दीपक, दीपक पेन, आपने होमवर्क किया है? दीपक, अथर्व, अथर्व तुमने भेजा होमवर्क? तो बहुत लिमिटेड लोग होमवर्क भेजते हैं, ऐसा क्यों है? तो ये बच्चों होमवर्क की आदत तो डाल लो कम से कम। प्राची ने भेजा है, अश्वित, अश्वित ने भेजा है, अश्वित, अश्वित के, एक ही अश्वित है तो नो प्रॉब्लम, अश्वित वही है। सर भेजा है, हर्ष ने भेजा है, देखो हर्ष का आंसर आया है, वेरी गुड वेरी गुड। ईशा, ईशा जाधव, ईशा ने भेजा है? तो होमवर्क में मैंने देखा नहीं क्या? सर आफ्टर दिस लेक्चर आई विल सेंड। ओके ओके वेरी गुड, थैंक यू। ऑफलाइन क्लास कब होगी हिमांश? पता नहीं यार, क्या है हिमांश तुम्हारा क्या कहना है, ऑफलाइन होनी चाहिए कि नहीं? अभी होनी चाहिए सर, बट रिस्क थोड़ा है कि नहीं अभी, ये बताओ पहले। सब बहुत रिस्क है। हाँ वही तो, अभी रिस्क काफी ज्यादा है ना। एक्चुअली क्या है कि मतलब खुला रिस्क हो जाएगा। जैसे ऐसा क्या होता है ना कि लोग वीक में एक बार कभी जाते हैं, कोई दो बार जाता है, कोई अपनी ऑफिस सिर्फ जाता है, लेकिन बच्चों के लिए फिर पेरेंट्स को भेजना पड़ेगा ला करके, और बच्चे कहीं से भी आते हैं तो तुम लोग जब वहां पे आओगे तो पूरा इन्वायरमेंट ऑफलाइन का जब होगा ना तो नंबर ऑफ चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे कोई अगर ऑफिस वगैरह में जाता
लगता है तो वहाँ थोड़ी डिस्टेंस होती है, लेकिन क्लासरूम प्रोग्राम में मुझे लगता नहीं है इतना बेटर रहेगा अभी ऑफलाइन करना, सर, तो अभी नहीं किया जाएगा मुझे। हाँ तो सर आप आओगे पेन में? हाँ बिल्कुल आऊंगा। हाँ तो क्या बोल रहे हो? एग्जाम के पहले होगा ना नीट या जेई के कि ऑनलाइन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी एग्जाम तो हो गया। एग्जाम एक्चुअली क्या है ना, एग्जाम में एक दिन का है ना, उसमें भी रिस्क है, लेकिन एग्जाम के एक दिन तुम कैब कर लिया या घर वाले ने छुट्टी ले ली, मम्मी पापा तुमको छोड़ के आ गए, अभी तो जैसे मुंबई में हो तो वहीं सेंट लेते हो, बहुत सारे रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई अगर मुंबई से दूर रहता है थोड़ा, अब उसको जाकर के अगर दादर में एग्जाम देना है तो उसके लिए रिस्क है, बट वो भी अपनी एक दिन के लिए तो कार कर ही सकता है, लेकिन जो स्कूल है जब वो तो रोज की है ना, तुम्हारे मम्मी पापा खुद बोलेंगे ऐसे ही चले जाओ, फिर कभी होगा कि कोई काम पड़ गया तो तुमको स्कूल जाना है, क्लास आना है, तो वो फिर प्रॉब्लम है ना उसमें। एग्जाम तो एक दिन का होता है, 3 घंटे का। हाँ सब कहीं आएंगे, यस यस, ऑफलाइन होगा तो पनवेल भी आएंगे। ओके चलो, तो ये होमवर्क कर लेना। सर ऑफलाइन में कितने घंटे की क्लास रहेगी? ऑफलाइन वाली क्लासेस भी हमारी वही 2 घंटे की ही रहती है, 1.5 से 2 घंटे, 2 घंटा मान लो, केवल मोल कॉन्सेप्ट ही आएगा। एक ही सब्जेक्ट की ये मतलब 3 सब्जेक्ट? मतलब तीनों सब्जेक्ट की 2-2 घंटे 1.5 घंटे रहती हैं। एक एक कभी कभी क्या होता है केमिस्ट्री मैथ होता है तो फिजिक्स नहीं, बट ज्यादातर तो तीनों होंगी एक दिन में। मतलब बायो 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 ऐसा है कि उनके पास मैथ तो होता नहीं है, तो फिर बायो वाले जो है मैथ की जगह बायो पढ़ लेंगे। तो अल्टरनेट ऑप्शन है, अल्टरनेट ऑप्शन है ना सर? हाँ अल्टरनेट ऑप्शन। तो वो लोग क्या करते हैं जिनने पीसीएम भी लिया है? वो लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो लोग को कुछ अलग क्लास में बैठ के पढ़ना पड़ता है, अगर वो चाहते हैं दोनों के लिए नीट और जेई दोनों का प्रिपरेशन करना है तो उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जो कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, डेडिकेटेड है, तो उसको ही देखा गया है क्रैक करते हुए आज तक, जेई और लाइक नीट दोनों दोनों क्रैक करते हुए बहुत कम बच्चों को देखा जाता है। सो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के पढ़े, बट रिकमेंड तो यही किया जाता है, देखो सब अपने आसपास के जो लोग हैं उनको तो यही रिकमेंड किया जाएगा कि एक ही चुनो एम, एक गोल चुनो, दो पे क्यों पैर रखना है। मान लो जेई के चक्कर में तुम्हारा पीसीएम भी ले लिया तो नीट और जेई दोनों एक साथ करना थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा काम पड़ जाता है उसमें, है ना। करने को कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, जो कर सकते हैं वो करते हैं। ओके ओके सर, चलो चलो बाय एवरीवन। ओके तो ये थोड़ा होमवर्क कर लो, फिर मैं चेक करता हूँ नेक्स्ट क्लास। बाय सर। यस सर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।